हीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न पे होगा और उसकी सब कैटेगरीज पे होगा, जिसमें चार प्रकार के पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो हमें मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करने में मदद करते हैं कि उनका शेप कैसा होगा, वो किस लोकेशन पे अपीयर होंगे तो उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अगर इन सब चीजों को हम समझने लगते हैं और मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानने लगते हैं तो हम अपने आप को राइट दिशा में स्टॉक मार्केट में प्लेस कर पाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो हैं उनके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट को सीख रहे होंगे। अगर आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के वीडियो के माध्यम से सिंसियर तरीके से अगर आप सीख रहे हैं तो जहां पर भी आपको डाउट आए दोस्तों तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ बिलीव होना ये दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन है या मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग उस क्वेश्चन पे हंसेंगे, ये निकाल दीजिए दोस्तों। स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जब आप इस बच्चे के बीमिंग फेस की तरह हाथ उठा के स्कूल में या कॉलेज में क्वेश्चन पूछते थे तो डाउट को क्लियर करते थे, ना कि डाउट को कैरी फॉरवर्ड करते थे। और इसी कारण से स्टॉक मार्केट में एक फेमस सेइंग है दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स बिगनर विल रिमेन बिगनर इवन आफ्टर 10 इयर्स इफ ही डजंट क्लियर हिज डाउट। तो डाउट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि हम सीखना क्यों चाहते हैं, ताकि हम इंडिपेंडेंट बन सकें, हम एनालिसिस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकें और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस को सेटअप कर सके जहां कंसिस्टेंट प्रॉफिट की संभावना बहुत प्रबल हो। तो चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं कि पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनकी सब कैटेगरीज में चार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और प्राइस चार्ट के ऊपर में भी चलेंगे जहां पर उनके लोकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से मार्केट इन कैंडलस्टिक पैटर्न के अपियर होने के बाद क्या पॉसिबल मार्केट के मूव होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ब्रॉड कैटेगरी जो है, ये चार प्रकार की जो कैंडलस्टिक्स होती हैं उनकी ब्रॉड कैटेगरी को हम पेपर अम्ब्रेला बोलते हैं। अब पेपर अम्ब्रेला क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला के रूप में दिखाई देते हैं और इस तरह से इनका शेप होता है, जहां पर जैसे अम्ब्रेला की जो छतरी होती है वो काफी ऊपर में होती है और उसकी जो नीचे में शैडो होती है और डंडी होती है वो काफी बड़ी होती है। उसी तरीके से ये प्राइस चार्ट के ऊपर में कॉमनली अपियर होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इनकी जो बॉडी होती है ये बड़ी छोटी होती है, मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। उसके कंपैरिजन में इसमें जो शैडो होती है ये काफी बड़ी होती है दोस्तों। अब इसके रेशियो के बारे में मैंने डिटेल चर्चा की है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में कि रेशियो कम से कम अगर ये बॉडी 1 है तो ये शैडो जो है 3 या उससे अधिक रहना चाहिए, तो बहुत अधिक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। लेकिन अगर रेशियो 1:2 से कम है तो वो एक्चुअली पेपर अम्ब्रेला की कैटेगरी में आएंगे नहीं। अब यहां पर ऊपर में अगर शैडो नहीं है तो और अधिक पावरफुल है, लेकिन माइनर शैडो है तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए माइनर शैडो रह सकता है इस हाई स्पीड ट्रेडिंग के जमाने में। अब दोस्तों इनके बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम मार्केट की साइकोलॉजी को क्या रीड कर रहे हैं कि प्राइस में रिकवरी आई है या प्राइस में मासिव रिजेक्शन हुआ, और इसीलिए बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच का गैप जो है
वो इम्पोर्टेंट है जो बहुत कम है। तो ये अब इसके ब्रॉडर कैटेगरी तो हमने समझ ली कि पेपर अम्ब्रेला बोलते हैं, अब इनके सब कैटेगरी को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब यहां देखिए कैटेगरी नंबर, सब कैटेगरी नंबर वन, तो यहां पर सब कैटेगरी नंबर वन में इन्वर्टेड हैमर आता है। इन्वर्टेड हैमर पहले आपको याद रखना है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ना कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये इन्वर्टेड रूप में दिखाई देता है, मींस जो पेपर अम्ब्रेला है वो उल्टा दिखाई देगा। इसका मतलब यहां पर भी बॉडी के कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसमें नीचे में जो शेडो रहेगी वो थोड़ी बहुत रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में अपीयर होंगे, और उसके बाद में संभावना है कि मार्केट में बाइंग आएगी और मार्केट एक अपोजिट डायरेक्शन में, डाउन ट्रेंड था अब अपसाइड में मूव करने की संभावना है। अब सब कैटेगरी नंबर टू क्या है दोस्तों? तो सब कैटेगरी नंबर टू है शूटिंग स्टार्स। अब आप देखिए इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वहीं शूटिंग स्टार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब चार्ट में किस लोकेशन पे ये अपीयर हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्राइस की एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ऊपर में अपीयर होंगे, जहां पे वो प्राइस के रिजेक्शन को इंडिकेट करेंगे, लेकिन शेप उनका पेपर अम्ब्रेला जैसा ही होता है। अब तीसरी सब कैटेगरी क्या है दोस्तों? वो है हैमर, जिसे हम बार बार बुलिश पिन बार भी बोलते हैं। अब हैमर में दोस्तों यहां पर देखिए, यहां भी बॉडी के कलर का कोई इंपॉर्टेंस औचित्य नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग में देख रहे हैं बहुत पास में क्लोज हुई है और लॉन्ग लोअर शैडो का फॉर्मेशन है, जो प्राइस में मासिव रिकवरी को इंडिकेट करता है कि बुल्स ने प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए, जबकि बेयर्स ने पूरी कोशिश की हावी होने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है समझने में। इसमें भी शैडो ऊपर में माइनर से हो सकते हैं या शैडो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चौथी कैटेगरी जो आती है वो आती है हैंगिंग मैन पैटर्न। अब आप देखिए दोस्तों, हैमर जो है और हैंगिंग मैन एक जैसे दिख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हैमर जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वही हैंगिंग मैन जो है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका तात्पर्य है कि चार्ट के ऊपर में किस लोकेशन पे वो अपीयर हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बुलिश है या बेरिश है वो तय करेगा प्राइस में, प्राइस चार्ट के ऊपर में वो किस लोकेशन पे अपीयर हो रहे हैं। कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों जो एक एनालिस्ट को हमेशा दिमाग में रखनी है, और वो है दोस्तों, पहला कि कलर जो बॉडी का है पेपर अम्ब्रेला का, ये चारों सब कैटेगरी में उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं प्राइस चार्ट में, वहां पे कई प्रकार के कन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं। जितनी आप कन्फ्लुएंस स्टडी के साथ में इन पेपर अम्ब्रेला को कंबाइन करेंगे, उतनी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वो बेरिश है या बुलिश है पेपर अम्ब्रेला, वो तय करेंगे कि किस लोकेशन पर प्राइस चार्ट में अपीयर हो रहे हैं। और इसके अलावा जितना आप सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इनका अपीयरेंस प्राइस चार्ट के ऊपर में, जब वो स्टैटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर में के पास में अपीयर होते हैं। अब मैं स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर में जीरो टू जीरो में कई वीडियो हैं। एक्चुअली अगर आप सिंसियर लर्नर हैं स्टॉक मार्केट के बिगनर के हैसियत से, तो आपको ईच एंड एवरी वीडियो को जीरो टू जीरो के प्लेलिस्ट से नंबर वन से स्टार्ट करना होगा और एक एक करके उसे देखना होगा, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर जाए और वो एनालिसिस में आपको लाइफ लॉन्ग बाधा पहुंचाते रहे। और जब आप मेन लिस्ट जीरो टू जीरो को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जीरो टू जीरो की रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है, जहां पर शॉर्ट वीडियो के रूप में जो जीरो टू जीरो के वीडियो हैं वो काफी बड़े वीडियो हैं, आधा घंटे, 45 मिनट, एक घंटा, इवन डेढ़ घंटे के भी वीडियो हैं। तो सीखना है दोस्तों, तो सीखना तो पड़ेगा ही दोस्तों।
तो अब यहाँ पर चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, ताकि प्राइस चार्ट पर इनकी हम स्टडी करके लोकेशन समझ सकें और किस तरह से ये बिहेव करते हैं एक्चुअल मार्केट कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के रूप में पहले चार्ट को हम देखें, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग था और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद यहाँ पर एक बुलिश पिन बार बना। आप देखिए कितनी लार्ज शैडो है, छोटी सी बॉडी है, अपर शैडो है लेकिन बहुत छोटी सी अपर शैडो है। उसके बाद फिर बुलिश पिन बार बना बैक टू बैक, वेरी पावरफुल। अगेन आप देखिए अगला जो बुलिश पिन बार बना उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि पिछले लो को उसने नहीं तोड़ा लेकिन पिछले बुलिश पिन बार के हाई के ऊपर में ट्रेडिंग हो गई। तो ये दोस्तों एक लोकेशन थी जहां पे हम बाई कर सकते थे और देखिए ये एक अच्छा टारगेट हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल गया। स्टॉप लॉस छोटा सा था और टारगेट अच्छा मिल सकता था, ये संभावना बन रही थी। इसका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब भी फेवरेबल बने हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब यहां देखिए दोस्तों फिर इस जगह पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो मॉर्निंग स्टार बना है इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक है पेपर अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए फिर मार्केट में करेक्शन हुआ और यहाँ पे मार्केट में करेक्शन होके फिर एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और अपर शैडो थी लेकिन लोअर शैडो से काफी छोटी थी। फिर यहाँ मार्केट ऊपर गया, यहाँ मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ देखिए एक हैंगिंग मैन बना, एग्जैक्टली हैमर जैसा रूप दिखाई दे रहा है, हैंगिंग मैन का हैमर जैसा रूप दिखाई दे रहा है लेकिन ये सिंस अपसाइड मूव के बाद में बना है, सो वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। यहां देखिए प्राइस का रिजेक्शन हुआ और अगले दिन ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसमें कंसिस्टेंट गिरावट देखी गई। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि यहां पर देखिए पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहां पर देखिए ये जो जोन था ईएमए 55 के पास में था, इस जगह भी देखिए ईएमए 55 के पास में बना और पहले भी यहां पर सपोर्ट था, तो कई कंफ्लुएंस मिल रहे थे जो इस बात को सजेस्ट कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बुलिश पिन बार बना है या हैमर का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। अब हैमर और हैंगिंग मैन में हमने समझ लिया कि दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन इनकी लोकेशन अलग होती है। अब समझते हैं दूसरे एग्जांपल में कि किस, और ये सारे एग्जांपल दोस्तों मैं एक ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको 100 200 300 500 चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। यहां देखिए सारे चार्ट में अभी तक डिस्कस कर रहा हूं एक स्टॉक में, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल के स्टॉक में। यहां देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहां बुलिश पिन बार बना और बुलिश पिन बार के बाद में मार्केट गिरा जरूर लेकिन फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, फिर बुलिश हरामी बन गया, तो कहीं ना कहीं ये डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट भी इंडिकेट कर रहे थे और यहां देखिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इस जगह देखें एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और इन्वर्टेड हैमर जो था वो इनसाइड बार भी था, ये गिरते हुए मार्केट में इसने यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाया और इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे देखिए फिर पिन बार एक बना और मार्केट ऊपर चला गया, पिन बार करीब आइसक्रीम बार जैसा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी बॉडी बड़ी है लेकिन शैडो उससे बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है। यहाँ ये समझना जरूरी है दोस्तों कि इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर जो है और शूटिंग स्टार एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनकी लोकेशन अलग होती है। यहां पर देखिए इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना और ये शूटिंग स्टार बना, दोनों एक जैसे दिखते हैं लोकेशन अलग है। तो यहाँ शूटिंग स्टार मतलब प्राइस का रिजेक्शन हुआ अपसाइड मूव के बाद में और इसके बाद देखिए मार्केट गिर गया। इस जगह पे फिर ध्यान से देखें एक इन्वर्टेड हैमर आपको नजर आएगा जिसमें माइनर सी लोअर शैडो है और वो एक इनसाइड बार भी है और आप देखिए उसके बाद मार्केट में बाइंग आती हुई नजर आई। मैं आशा करता हूं कि पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जो चार सब कैटेगरीज है उनके बारे में क्लैरिटी आई होगी कि हैंगिंग मैन एंड हैमर एक जैसे दिखते हैं लेकिन हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैंगिंग मैन
बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और शूटिंग स्टार जो है वो बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लुएंस चेक कीजिए, इनके अपीयरेंस का फायदा उठाइए और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए जो आपको जीरो के हीरो में सिखाई गई है। रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं भूलिएगा पोजीशन साइजिंग के द्वारा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। ढेर सारे लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।